हेलो जी, सत श्रीकाल। की हाल चाल? मैं हाँ सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं एचआर 71। इस वक्त पहुंच चुके हैं करनाल की अनाज मंडी में और सुबह सुबह ही एक तो भगवान का साथ नहीं मिल रहा, प्रशासन और सरकार का साथ तो पहले से नहीं मिल रहा किसानों को, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। और आपको बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है बैठकर आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद इनका कार्य शुरू होने वाला है। और आपको बता दें ठीक मेरे सामने अनाज मंडी का गेट है और वहाँ से जो है भारी पुलिस बल वाटर कैनन आंसू गैस के गोले पूरे तैयार कर रखे, लेकिन किसान जो है धीरे 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 जो है जुटने शुरू हो चुके हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आज जो है 7 सितंबर है, 7 तारीख किसानों ने बड़ा ऐलान किया था कि किस तरीके से आज वो जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। और लगातार आप देखिए किसान जो है धीरे 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 पहुंचना शुरू कर रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक सरदार जी जो है अपनी अपनी स्कूटर पर अपनी मोटरसाइकिल पर जो है किस तरीके से पूरा साजो सामान तैयार करके बैग रख के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसान जो है लगातार किसान आ रहे हैं, उनसे भी जान लेंगे कहाँ से आए हैं। पाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहुंच गए, 7 सितंबर का दिन बताया गया था कि आज बड़ा एक टकराव हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे, क्या मन बना कर आए हैं? ऐसा है, ये जुल्मी सरकार है जो जनरल डायर भी बन चुकी है। जलियावाला बाग जो इन्होंने बनाया था 28 तारीख को, उसके विरोध में आज आए हैं। आज जैसे संयुक्त मोर्चे की कॉल थी भी यहाँ इकट्ठे होने की, आज इकट्ठे होके सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। पिछली बार लाठीचार्ज किया था, किसानों के सिर वगैरह भी फोड़े गए थे, किसानों के मन में डर नहीं है कि आज उससे ज़्यादा क्या था मारपीट हो जाए? क्योंकि चुनी साहब ने बोला है लठ खा लियो मारियो ना। ऐसा जी, आज 9.5 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, आज तक हमने लठ खाए हैं, कोई भी विरोध नहीं किया इस चीज़ का भी हमें लठ क्यों मार रहे हैं, हम खाने के लिए तैयार हैं। किसान एक जो है वो शुरू से ही बचपन जब उसका पैदा होता है तब से ही वो आग पे चलता है, मौत के आग पे। करनाल सिंह, करनाल से। तो लगातार देखा, बेशक आज प्रशासन का है, ये देखिए ट्रक लगाए जा रहे हैं, रोड को किस तरीके से बंद किया जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में जो है किसान जुटते चले जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखाना, ये देखिए ट्रकों को लगाया जा रहा है, ट्रकों की तैयारी शुरू कर दी गई है, रास्ते को बंद करने की तैयारी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से रास्ता जो है बंद करने की कोशिश। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रशासन जो है पूरी तैयारी के साथ है। बैरिकेडिंग देख लीजिए, 73 से मंगाए गए हैं स्पेशल करनाल में जो लगातार। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, हरियाणा भाईचारा से हैं। भाई जी राम राम, सबसे पहले आपका चैनल बहुत देखते हैं हमारे हरियाणा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस तरीके से माहौल हो सकता है? हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, और सारे पहले राम राम भाई, मेरे सारे भाइया ने भाई माहौल ही सा देख तन दिखने लग रहा है। सरनजीत क्या थड़ती है बैरीगेड, रोहतक दिए बैरीगेड जो हाड़म मंगाए गए हैं, देख प्रणाल प्रेन करनाल के और कुरुक्षेत्र के हाल के उधर कुरुक्षेत्र और उस तो प्रेन देखा था तो क्या थड़ गए भी बैरीगेड जो पड़े पानीपत के बैरीगेड, मतलब तमाम हरियाणा के बैरीगेड, पुलिस नहीं बैरीगेड भी जो है वे आए हैं। अरे तैयारी आड़े शुरू कर दिए, देखिए ट्रक आए हैं भाई बेकसूर, इवन के ट्रक हिसाब भी ले ली जाओगी। आप आवा थे जब आपने देखा था रात को, अगर आपने वीडियो बनाई थी उस चीज़ की, अगर भाई चाबी ले ली ट्रक वाले की, यो जबरदस्ती गुंडा कर दी है। इस पर सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, अफसरान ने मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर तो सरकार के ऑर्डर आ रहे हैं, बूंदे बने रेस में अफसर तो यो है भाई फिलहाल का। बाकी दर्शक जाने हैं और अड़ पहुँचने लग रहे हैं, तकरीबन फिलहाल अंदाजे 4-5 हज़ार पब्लिक पहुँच ली है। बारिश की वजह से कम है, लेकिन थर्मामीटर चेक करे आप तो ज्यादा करते हो थर्मामीटर भाई, किसानों का जोश कैसा? पिछली बार तो बहुत सिर्फ सरकार पड़े, मैं बताऊं बीपी वाली मशीन होया करो, जब घना बीपी पड़ जाओ बीपी फट जाए, रहो थर्मामीटर फट रहा है, इसे गुस्सा है ना, लेकिन गुस्सा देखो गुस्सा है, लेकिन किसान इतनी दोनों कह रहे हैं किसान नेता की शांति था। अरे मैं भी सारे भाई ना छोड़ कर कहूँगा थारे बालक हमा मारी मान लियो, शांति था सब कुछ, शांति था पंचायत करो, बाकी प्रशासन ने दिखा दो आप तैयार खड़े हैं। चलो आपको मैं थोड़ा आगे तक दिखाता हूँ, हो सकता है कि पुलिस प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये देखिए वो ट्रक पीछे देखो, एक ट्रक लगा दिया, इसके आगे ये ट्रक लगाया जाएगा, उसके बाद यहाँ लगाया जाएगा। तो किस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जैसे इस खबर को शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ मिसबिहेव हो जाए तो कोई बात नहीं, हम डरते नहीं आप लोगों। तो ये मेन हाईवे है और हाईवे के बिल्कुल ठीक यहाँ से अनाज मंडी शुरू होती है, अनाज मंडी की एंट्रेंस गेट है यहाँ पर, और एंट्रेंस गेट को जो है धीरे धीरे जो है बंद करने की कोशिश है, क्या कुछ कहेंगे? तैयारी शुरू कर ली, अंदर जाने से रोका जाएगा, ट्रक लगाए जा रहे हैं? नहीं कोई नहीं रोका हमने, ट्रक लग रहे हैं, कोई नाम पूर्व शांति वही रुक जाएंगे। कहाँ से आए हो? रोहतक से। रोहतक से आए हैं, तो आप देख सकते कि वाटर कैनन वो सामने दो वाटर कैनन है, दो वाटर कैनन किस तरीके से लगाई गई, और किसानों का हौसला जो है फिर भी पूरा का पूरा मजबूत है। लगातार ऊपर आप हाईवे देख सकते हैं, ऊपर हाईवे चल रहा है। पाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां से आए हो, क्या कुछ करेंगे आज? बस हम करनाल से आए हैं जी, किसान महापंचायत है,
मेन तो बस सरकार को काले कानून वापस लेने चाहिए, इसके ऊपर ही हमारी माया पंचायत है। तैयारी फोले जी अगे जो संयुक्त, कोई दिक्कत नहीं, पूरे तैयार है। जो संयुक्त मोर्चे का ऐलान होगा उत्ते काम होगा, शांतिपूर्वक होगा। पिछली बार भी अपनी तरफ से शांतिपूर्वक था, पुलिस जो मर्जी करे डंडे, कोई बात नहीं, डंडे डंडे चलते रहते हैं। डर नहीं है, कोई डर नहीं है जी। किसान करनाल से जी, कितना दिलेरी है, डर नहीं है। एकता जिंदाबाद के नारे। तो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। कुछ ही देर में जो है संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अभी तैयारियां जो है वो चलनी शुरू हो गई हैं। और वाटर कैनन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर वाटर कैनन भी यहां पर मौजूद है। और अगर आप हाईवे के इस तरफ, ये है करनाल की तरफ, अगर आप करनाल की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो दूर दूर तक आपको दूर दूर तक जो है पुलिस की गाड़ियां, बसें, वाटर कैनन सब जो है वो दिखाई देंगे लगातार तमाम। ये आप देख सकते हैं कि काफिला जो है, किसानों का काफिला जो है वो यहाँ पर भरता हुआ रहा। देखिए किस तरीके से जोशों जुनून के साथ किसानों का काफिला, किसानों का लगातार काफिला जो है यहाँ पर पहुँचता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। किसानों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया। गोदी मीडिया के लिए यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो पूरी हैं, लेकिन किसानों के लिए, हमारे जैसे मीडिया के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये हम आपको वाईफाई से बड़ी मुश्किल से हम आप लोगों तक लेकर आए। किसानों का जोश और जुनून देख लीजिए, कैसे ये लोग पहुँच रहे हैं। अभी तक इनको रोकने का कोई प्रयास नहीं, लेकिन आगे चल के क्या पता प्रशासन का क्या मन में मूड है, क्या होगा। लेकिन हमारी आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए और शांति बनाए रखें। किसान भाइयों से भी हमारी अपील है कि शांति जरूर बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि सरकार को, प्रशासन को ये गलत काम करने पर मजबूर हो जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। लगातार काफिला जो है किसानों का बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी और भी अपडेट्स मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और देखते रहिए HR71। यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। और देखिए किस तरीके से काफिला, देखिए कितना लंबा है काफिला। मैं अपने कैमरा भाई से कहूँगा काफिला दिखाता रहे। लगातार बारिश के मौसम में हम लोग डटे हुए हैं। गोदी मीडिया की ओबी वैंस यहाँ पर लगातार मौजूद है, लेकिन हमारे लिए इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया। उनके लिए सैटेलाइट है, क्योंकि वो बड़े गोदी हैं, उनकी गोदी में बहुत बड़ा पैसा है, इसलिए उनके पास बहुत सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। हम गरीब लोग हैं, आप लोगों को छोटे से मोबाइल से दिखा रहे हैं, क्योंकि हम वो दिखाएंगे जो आप चाहते हैं, जो जनता चाहती है, हम आपको वो दिखाएंगे किस तरीके से लोग आ रहे हैं। पाजी एक मिनट, कहाँ से आए हो? ये करनाल करना, यही तरावड़ी के पास। पिछली बार लाठीचार्ज हुआ था, डर नहीं लग रहा आपकी बार और डंडे पड़ेंगे? कोई परवाह नहीं, हमको जो होगा देखे जाएगा। शांतिपूर्ण, गुस्सा नहीं करना। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण चलेगा काम। हाँ, देखिए किस तरीके से हम भी लोगों को समझा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से काम करें, कोई भी किसी प्रकार का गुस्सा नहीं है। लगातार नौजवानों का जोश, हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों का जोश किस तरीके से है। लगातार जोश में, जुनून में लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। भाई जी कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बाड़ा से आए हैं भाई, और जो हमारे किसान जख्मी हुए हैं उनको अपना, उनके लिए आए हैं, उनका मुआवजा दिलवाना है। और इन्होंने जो खट्टर सरकार ने इतनी उनके ऊपर लाठी चार्ज की, सिर फोड़ी, एक भाई की आंख भी चली गई और एक की मृत्यु हो गई, उनको इंसाफ के लिए आए हैं। तो मतलब कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं फैलाना? नहीं, उपद्रव नहीं फैलाना, हमें अपने मारेंगे पुलिस वाले तो आराम से खा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खा लेना यार एक आधा डंडा, बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे भाई, इनको मौका मिल जाएगा, इनका काम ही है ये डंडा मारना। गोली मारे यार पूरा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मौका चाहिए आप लोगों को, हमारी तरफ से कोई मौका नहीं मिलेगा बोलने का, कुछ नहीं है। तो देखिए मैं बार बार फिर से अपील करता हूँ, मैं बार बार आपसे फिर से अपील करता हूँ। लगातार आप देखिए जाम की स्थिति बन चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि काफिला बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की द्वारा से अपील की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वाटर कैनन आप देख लीजिए किस तरीके से वाटर कैनन, पूरे के पूरे आर्मी के जवान जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, RPF लगा दी गई है, पूरा का पूरा प्रशासन जो है, यमुनानगर की गाड़ियाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करिए, और आज किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज़्यादा से खबर को शेयर करते रहिए। तो तमाम आप लोगों को, हम इंटरनेट बंद है लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आए हैं। थोड़ा आगे चलता हूं, आपको वाटर कैनन दिखाता हूं किस तरीके से यहां पर पूरा का पूरा प्रशासन जो है यहां पर मौजूद है, और वाटर कैनन हर वो पुख्ता इंतजाम जो है वो यहां पर किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन हम भी आपको हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम ना कीजिए
जिससे कि सरकार को प्रशासन को आपके खिलाफ होना पड़े। शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध करते रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा जो हाईवे है इस वक्त किसान जो हैं यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। वाटर कैनन जो है, इमरजेंसी सर्विस जो है, सब यहाँ पर बहाल की जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पाजी कहाँ से आए हो, क्या कुछ बताओगे? आज शांतिपूर्ण तरीके से काम होगा कि पिछली बार इतना उपद्रव होगा? नहीं, अभी जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी जी, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण हम बाले से हैं। पिछली बार डंडे बहुत पड़े थे, अब की बार डर नहीं लग रहा कि ज्यादा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है जी, बिल्कुल कोई डर नहीं है जी। चुनी साहब ने कहा डंडा मारेंगे तो खा लेना, मारना बिल्कुल खाएंगे जी, बिल्कुल खाएंगे। जैसे देश आएंगे जी, ऊपर से वैसे करेंगे जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से किसानों का एक ही मन है, बेशक डंडे लगे कुछ हो जाए, लेकिन हम जो है किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं फैलाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हरियाणा के करनाल से आपको, जहाँ पर आज 7 सितंबर को जो बड़ा ऐलान किया गया था किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, वहाँ पर लाखों की भीड़ आपने देखी, लेकिन आज जो है करनाल को मुजफ्फरनगर बनाने की तैयारी है। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें है, किसानों का हवला लगभग 11 से ऊपर का टाइम होगा और किसान जथेबंदियों का टाइम जो था 10 बजे का था, लेकिन अब जो है किसान जुटने शुरू हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जायदाद खबर कुछ है, आगे की पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जायदाद खबर कुछ है। HR71 के लिए करनाल से सरनजीत सिंह।